आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर दी जमानत। भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर अमेरिका का बड़ा बयान। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को बताया बातचीत नहीं होने की वजह। सीमा पार से आतंकवाद रोकने की बात कही। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने की मोदी सरकार की योजना का गुणगान। आयुष्मान योजना को बताया बेहतर, सभी से सहयोग की अपील। टीम इंडिया का प्री दिवाली धमाका। साउथ अफ्रीका का 3-0 से किया सफाया। रांची टेस्ट में पारी और 202 रन से हराया। अमित शाह का आज 55वां जन्मदिन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कर्मठ, अनुभवी, कुशल संगठनकर्ता एवं मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित शाह जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल। 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का विरोध। कर्मचारियों का आरोप, विलय के बाद खत्म हो जाएगा 6 बैंकों का अस्तित्व। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा सौदों को दी मंजूरी। दुश्मन के टैंकों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें आएंगी। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार, तो हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर सरकार की वापसी। अयोध्या के कारसेवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर से संबंधित सभी कार्यक्रमों को फैसला आने तक स्थगित किया। शौर्य दिवस, विजय दिवस और संकल्प दिवस जैसे कार्यक्रमों का नहीं होगा आयोजन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किए 2017 के आंकड़े। देश भर में संज्ञेय अपराध के 50,00,000 केस दर्ज, 2016 से 3.6% ज्यादा। गाय के पेट से 52 किलो प्लास्टिक कचरा निकाला गया। चेन्नई के वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के 2 सर्जन ने ऑपरेशन कर निकाला प्लास्टिक वेस्ट। करीब 6 घंटे लगा वक्त। दिल्ली में 3 दिनों तक सियासी मंथन में जुटे सीएम नीतीश कुमार। झारखंड और दिल्ली चुनाव पर होगी चर्चा। केरल और उत्तरी कर्नाटक में लगातार 5 दिन से हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा। भारी बारिश से हुबली, धड़वाद, बेलगाम, चिक्कोड़ी और बागाकोट सबसे ज्यादा प्रभावित। केरल में आज मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में बीती रात हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव। 3 तलाक में सजा के प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तलाक बिद्दत को अपराध बनाने के बिल को दी चुनौती। दिल्ली पुलिस का शहीदों की याद में कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम। शंकर साहनी ने गाए देशभक्ति गीत। नुक्कड़ नाटक का भी लोगों ने लिया आनंद। पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने शहीदों के परिवारों को हर संभव मदद देने की बात कही। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दी अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि। परिवारों का किया गया सम्मान। राज्यपाल लालजी टंडन, सांसद प्रज्ञा ठाकुर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कर्नल चेवांग रिंचेन ब्रिज का किया उद्घाटन। सियाचिन को पर्यटकों और पर्यटन के लिए खोला गया। जैसलमेर फायरिंग रेंज में आर्मी और एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास। वज्र और रुद्र से गूंज उठा जैसलमेर। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, चित्तूर में वेलनेस गुरु कल्कि भगवान के ठिकानों पर छापेमारी। आयकर विभाग ने 409 करोड़ रुपए कैश और 90 किलो सोना किया जब्त। दिल्ली से भी खराब हुई लखनऊ की हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लखनऊ की हवा को खराब श्रेणी में रखा। उत्तर प्रदेश में बड़े अधिकारियों के तबादले। 7 आईएएस, 14 पीसीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। उत्तराखंड में कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट। त्रिवेंद्र सरकार ने बढ़ाया 5% महंगाई भत्ता। करीब 3,00,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी। अभी तक ग्राम प्रधान के 5,500 से ज्यादा पद और क्षेत्र पंचायत के 2,400 से ज्यादा पदों के नतीजे घोषित। यूपी के प्रयागराज में एक पुलिस वाले ने पत्नी और बेटे को उतारा मौत के घाट। खुद भी फांसी लगा कर दी जान। सरकारी क्वार्टर से मिले 3 शव। चमोली में ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त। 2 महिलाओं समेत 5 लोगों ने मौके पर ही तोड़ा दम। 9 नवंबर से 20 नवंबर तक देहरादून पुलिस करेगी केबल ऑपरेटर इंटरनेट प्रोवाइडरों के खिलाफ कार्रवाई। बगैर अनुमति बिजली के खंभे पर केबल संचालन के लिए खोले गए खाते का चेक चुरा कर 1,50,000 रुपए की ठगी। 4 लोग गिरफ्तार। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के चेयरमैन विवेक प्रकाश ने नकल माफियाओं पर लगाया धमकाने का आरोप। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में फेल हुए
कुछ अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए डाला दबाव। उत्तराखंड सरकार ने एक साल के लिए पान मसाले के साथ मिलने वाली तंबाकू पर लगाया बैन, लेकिन राजधानी देहरादून में ही कई दुकानदार खुलेआम बेच रहे तंबाकू। मां ने चार बच्चों के साथ कुएं में कूद कर दी जान, पारिवारिक कलह को बताया जा रहा है वजह, पुलिस ने कुएं से निकाले शव। बिहार के छपरा में दर्दनाक हादसा, एक महिला तीन बच्चों के साथ तालाब में डूबी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के अमेठी में इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी का ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे के बाद प्लेन में लगी आग, बाल बल बचा ट्रेनी पायलट। बिहार की राजधानी पटना में टीवी शोरूम के गोदाम में लूट, चार नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में लुटेरों की करतूत कैद। बिहार के मोतिहारी बालिका गृह से भागी चार लड़कियां, एक दूसरे के कपड़े को बांधकर बनाई भागने के लिए रस्सी, एक लड़की चर्च के पास मिली। बिहार में डेंगू का कहर, मरीजों की संख्या 3000 के करीब पहुंची, पटना में ही करीब 1700 मरीज। मिलावट खोरी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना, कहा मिलावट रोकने के लिए छापे मारे जाते हैं मगर दोषियों को छोड़ दिया जाता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर कमलनाथ सरकार की बड़ी जीत, महज 10 महीने में करीब 3% घटी बेरोजगारी दर, कांग्रेस ने छिंदवाड़ा मॉडल को बताया एम्प्लॉयमेंट टूल। एमपी में 100 नहीं अब 80 अंकों की होगी बोर्ड परीक्षा, पास होने के लिए लाने होंगे केवल 27 नंबर, 10वीं में अब हर सब्जेक्ट में होगा प्रैक्टिकल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल संरक्षण के लिए भूपेश सरकार का स्पेशल प्लान, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए किया जाएगा वाटर ऑडिट, नवंबर से शुरू होगा सर्वे। राजस्थान के जयपुर में बीएसपी के प्रदेश प्रभारी से बदसलूकी, मुंह काला कर गधे पर घुमाया, जूतों की माला पहनाई। जयपुर में पशु प्रबंधन समिति चेयरमैन से मारपीट, सड़क नहीं बनने से नाराज थे लोग, 7 सफाई कर्मचारियों को किया सस्पेंड। राजस्थान के 12 के मोठपुर में बुजुर्ग से दुष्कर्म, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 ट्रोले की जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर घायल, केबिन में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को बरकरार रखने की ममता बनर्जी की कोशिश, कहा बंगाल को एनआरसी की जरूरत नहीं, सुनिश्चित करेंगे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत मुखर्जी पहुंचेंगे अपने घर कोलकाता, मां ने तैयार किया मनपसंद खाना, राजनीतिक दल से जोड़ने पर जताई नाराजगी, कहा देश और सरकार कोई प्रोजेक्ट दे तो अभिजीत उस पर करेंगे काम। मवली पार्किंग विवाद में 65 साल के बुजुर्ग रमेश बहल की हत्या करने वाले वकील तरित शिकदर ने पुलिस के सामने किया समर्पण, 20,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत पर रिहा। महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 3 की मौत, 15 घायल। चंद दिनों में कई किलो वजन कम करने का दावा करने वाले मोबाइल ऐप्स की भरमार, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर ऐप जिन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं उनका न तो कोई वैज्ञानिक आधार, नहीं भरोसे के लायक। दिवाली पर ऑनलाइन बाजार में भारी छूट के चलते लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं मगर अकाउंट में सेंध लगाने की कोशिश में है हैकर्स, यूआरएल चेक कर केवल HTTPS वाले URL पर करें ऑनलाइन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी सबसे बेहतर ऑप्शन। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व PM नवाज शरीफ की तबीयत हुई खराब, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में भर्ती किए गए। किसी को बहुमत नहीं होने के कारण इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू नहीं बनाएंगे अगली सरकार, विपक्षी नेता बेनी गांट्स आजमाएंगे किस्मत। बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम की फिल्म पागलपंती के नए पोस्टर रिलीज, इस फिल्म में इलियाना डी क्रूज, अनिल कपूर, कृति खरबंदा, अर्शद वारसी और उर्वशी राउतेला, पुलकित सम्राट भी आएंगे नजर। फिल्म तन्हाजी द अनसंग वॉरियर में अजय और सैफ का लुक रिवील, 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी फिल्म। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का ट्रेलर 23 अक्टूबर को होगा रिलीज, ये फिल्म सलमान खान की पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म है जो हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में होगी रिलीज।